अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। यकीनन उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ उसका नाम है मखमली कढ़ाई। ये बहुत ही मज़े की बनती है और इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं। सबसे पहले हमने 1 kg चिकन लेना है, उसके बाद हमने 5 अदद टमाटर लेने हैं और 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेने हैं। उसके साथ हमें हरी मिर्च चाहिए 6 से 7 अदद, साथ में अदरक लहसुन पेस्ट और साथ में 1/3 कप ऑयल जाएगा इसमें, और 1 tablespoon सॉल्ट और 1.5 teaspoon रेड चिली फ्लेक्स और साथ में इसमें ब्लैक पेपर जाएगी मोटी कुटी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चले जी आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पतीली में हमने चिकन डालना है। ऑयल हमने इसमें पहले नहीं डालना, सबसे पहले हमने चिकन डालना है। चिकन के अंदर हमने शामिल करना है नमक, और नमक के साथ हमने इसके अंदर पानी, थोड़ा सा पानी ऐड करना है क्योंकि चिकन का अपना भी पानी निकलता है, इसलिए हमने इसके अंदर डालना है थोड़ा सा बस पानी, और इसको अच्छी तरह से हिला के हमने इसको ढाँप देना है। ठीक है, इसको हिला के अच्छी तरह से ढाँप दिया। अब देखें, मैंने जब ढक्कन खोला है तो उसका पानी चिकन का बाहर आ गया है, और जैसे ही चिकन पानी छोड़ दे तो आपने उसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। टमाटरों को बारीक स्लाइसिस में काट लेना है और वो इसमें शामिल कर देने हैं आपने। और जब हल्का सा पानी जब खुश्क होने लगे और टमाटर नरम होने लगे तो आपने थोड़ी देर के लिए उसको ढांप देना है ताकि हमारे टमाटर थोड़े से गल जाएं। अब हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है तकरीबन 1 tablespoon, और साथ में मोटी कुटी हुई चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स हमने इसमें डाल देने हैं साथ ही, और अच्छी तरह से मिक्स करके उसको ढक्कन दे देना है हमने। बस थोड़ी देर के लिए हमने इसको ढाँप देना है ताकि जो अदरक लहसुन डाला है और जो मिर्च डाली है उसका फ्लेवर जो है वो सारे चिकन में आ जाए। अब इस टाइम आपने इसमें ऑयल डालना है, 1/3 कप ऑयल इसमें शामिल कर दें और इसको अच्छी तरह से भून लें। ठीक है, इसको हमने अच्छी तरह से भून लेना है। अब थोड़ी देर के लिए इसको चमचा हिलाकर इसको अच्छी तरह से चेक कर लें कि चिकन अच्छी तरह से गल चुका है। जो काली मिर्च है ना, वो मैंने अभी तक इसमें नहीं डाली है क्योंकि वो थोड़ा सा कलर छोड़ देती है और चिकन जो है उसका कलर ब्लैक सा होने लगता है, इसलिए मैं उसको बिल्कुल एंड पे डालूंगी। और अभी मैं इसमें ग्रीन चिली डाल रही हूँ और साथ में प्याज। प्याज मैंने चौरस चौरस क्यूब्स में काटे थे, इसमें प्याज इस तरह से जाएंगे कि खड़े मसाले का चिकन बना रही हूँ मैं, इसलिए इसमें प्याज इस तरह से जाएंगे और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस आएगा। जब आप मेहमानों को पेश करेंगे तो वो बहुत इसे पसंद करेंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दिया है ब्लैक पेपर मोटी कुटी हुई ब्लैक पेपर का टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब हमने तकरीबन 4 tablespoon पानी ऐड कर दिया और इसको हिलाकर हमने उसको दे देना है थोड़ी देर के लिए, दम दे देना है 5 मिनट के लिए ताकि प्याज जो हमने डाले हैं वो कुछ नरम से हो जाएं। तो देखिए जी, ये बस हमारी मखमली कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। नहायत ही लजीज और मज़ेदार बनी है।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।